variable. Identifier whose value can be modified or altered is known as variable. An identifier whose value is not changed throughout the program is called as constant. देखो आइडेंटिफायर का वैल्यू अगर नहीं बदला तो वो कांस्टेंट होगा, आइडेंटिफायर का वैल्यू अगर बदला तो वो वेरिएबल होगा। क्या यहाँ पे अभी बोला, क्या बोला है? आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड और अल्टर्ड नोन एज वेरिएबल। इजी है क्या? वेरिएबल के अलग अनेक डेफिनेशंस है। आगे क्या बोला है? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, हाउ वी डिक्लेयर द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे बोला इंट ए, ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। यहाँ पे इंट और क्या लिखा मैंने, ए लिखा। ए क्या बन गया मेरा, बोलो बोलो, वेरिएबल बन गया। क्या बन गया मेरा, वेरिएबल। अब ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो समझ में आता है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का। आगे क्या बोलते हैं, फ्लोट एक्स। तो बोलो मेरे वेरिएबल का नाम क्या है। अच्छा, ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का। इसके बाद आएगा कैर सीएच। तो बोलो वेरिएबल का नाम क्या हुआ, ये सीएच कौन से टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर। अच्छा अब ना ध्यान से समझेंगे क्या, यहाँ पे सबका पूरा अटेंशन मेरे को चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे को उसको ध्यान से बताना। अगर मैंने इसके आगे कभी भी अगर ऐसा लिखा, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, मैंने लिखा इंट ए सेमीकोलन, ये पूरा स्टेटमेंट मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे, बोलो सब लोग साथ में, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलेंगे। इसको आप बिल्कुल भूलना नहीं है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी इसके बाद मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, इसको बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, या बोलेंगे असाइनिंग 5 वैल्यू टू द वेरिएबल ए।